भोजपुरी अभिनेता बड़े कम अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, अक्सर वो विवादों के लिए ही जाने जाते हैं। लेकिन भाई, हम हमेशा से दिनेश लाल यादव निरहुआ के काम के फैन रहे ही हैं, और आज दिनेश लाल यादव निरहुआ ने वो किया है जिसे बताना हर एक मीडियावासी का कर्तव्य बनता है। अब कौन कितना बता रहा है, कितना नहीं बता रहा है, लेकिन हम आपको आज जो खबर देने वाले हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ के फैंस अगर सुनेंगे तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस खबर को और आपको बताते हैं क्या ऐसा किया है दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिसे आप तक पहुँचाना ज़रूरी है। तो आपको बता दें कि आपको तो इतना पता ही होगा कि कुछ महीने पहले कोरोना की वजह से भोजपुरी ने अपने एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड गीतकार को खो दिया था। नाम था श्याम देहाती। श्याम देहाती की जब मृत्यु हुई तब भोजपुरी के अनेक कलाकार आए और उन्होंने ये कहा कि श्याम देहाती नहीं रहे, इसका उन्हें दुख है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने एक स्टेटमेंट तभी जारी किया। हाँ, भोजपुरी के अन्य कलाकारों ने जिन्होंने उन्हें मदद करने की पेशकश की, यानी कि श्याम देहाती के परिवार वालों की, हम उतना दावे के साथ नहीं कहते कि कितना उन्होंने मदद की कितना नहीं, लेकिन खेसारी बाकायदा एक वीडियो जारी करके सभी के सामने आते हैं और कहते हैं कि श्याम देहाती की मौत के बाद उनके दोनों बच्चों के पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च मैं जिंदगी भर उठाऊंगा। लेकिन इसके बाद श्याम देहाती के परिवार से ना खेसारी कभी मिलने गए। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खेसारी सिर्फ एक बार श्याम देहाती की फैमिली से मिलने गए, उसके बाद ना उन्हें कोई मदद दी, ना उन्हें कोई मैसेज किया और ना ही किसी भी तरह की मदद उन तक पहुंचाई। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खेसारी जिन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ, जी हाँ, दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इंसानियत की मिसाल देते हुए श्याम देहाती के दोनों बच्चों का एडमिशन बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाया और अपने ही पैसे से उनकी फीस भरी और बच्चों के पढ़ाई का जो खर्चा है वो बड़े ही शांतिपूर्वक ढंग से उठा रहे। वैसे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिनेश लाल यादव निरहुआ बहुत सारे ऐसे काम कर जाते हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन वो कभी भी मीडिया में नहीं देते, वो तो गाहे बगाहे चीज़ें बाहर आ जाती है। आपको पता होना चाहिए, अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो भी उसकी आवाज़ उतनी ही होती है जितना आप बुरा काम करते हैं। तो आपको ये बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ अच्छा काम करते हैं और भूल जाते हैं, लेकिन ये खबर इसलिए लोगों के सामने आनी चाहिए क्योंकि जब हमारे स्टार कंट्रोवर्सी में किसी गलत काम की वजह से फंसते हैं तो यही मीडिया है जो चीख पुकार कर उन्हें बदनाम करती है। लेकिन मीडिया को ये भी करना चाहिए कि अगर हमारे स्टार कोई अच्छा काम करते हैं तो उन्हें डंके की चोट पर लोगों के सामने लाना चाहिए, और हम इसके लिए अप्रिशिएट करते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जैसे कई कलाकारों से जो श्याम देहाती के ना रहने पर उनके परिवार की सुध ले रहे हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।